नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेज में। थंबनेल्स को देख के आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है लेटर हेड कैसे बनाएं। जी हाँ, ये एमएस वर्ड के अंदर पॉसिबल है। एक ऐसा सुंदर सा लेटर हेड आप बना सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए चलिए सीखते हैं आज हम कैसे बनाएंगे लेटर हेड एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एमएस वर्ड को स्टार्ट कर लेना। हमारा एम एस वर्ड ओपन हो गया है और ये वो फाइल है जो मैंने आपको थंबनेल्स पे शो किया हुआ है कि एक सुंदर सा लेटर हेड हम कैसे बना सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर। तो चलिए अब हम इसमें नहीं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। अब हम ऐसा लेटर हेड क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, एक नया पेज लेते हैं और नया पेज अब हम इसका पोजीशंस वगैरह सेट कर लेते हैं। पेज लेआउट पे चलते हैं और यहां से साइज A4 का रखना है आपको। इसका मार्जिन्स, मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, नैरो मार्जिन लेते हैं 0.5, यानी इसका जो मार्जिन टॉप और बॉटम का हमने ये सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे जो ऊपर मैंने ये जो लगाया हुआ है हेडिंग्स। हेडिंग्स मैंने कैसे बनाई है, अब हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, न्यू पेज लेने के बाद अब आपको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स और यहां से हम करते हैं ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। इसकी जो आउटलाइन है, शेप्स को आपने क्या करना है, फॉर्मेट शेप्स पे जाइए या फिर आप यहां से इस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने फॉर्मेटिंग का टैब खुल जाएगा। और यहां से जो इसकी आउटलाइंस है इसको आप नो आउटलाइंस करेंगे। इस पे टेक्स्ट को एडिट करना है, टेक्स्ट की जैसे भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं। और यहां से जो भी आप अपनी कंपनी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अशोका क्लासेज, अब इसका फॉन्ट साइज फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से बड़ा छोटा जितना भी आपको सेट करना है आप वो ले सकते हैं। और अलाइनमेंट इसको सेंटर कर लीजिएगा। फॉन्ट का कलर जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। अब हमें इसके सामने लोगो लगाना है। लोगो के लिए आपको एक पिक्चर को इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जहां भी जिस भी लोकेशंस पे आपकी पिक्चर है आप उसको इंसर्ट कीजिए। ये दूसरा पेज क्रिएट हो गया, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं यहां से। हमें एक सिंगल ही पेज पे रखना है इसको और इसका साइज हम छोटा कर लेंगे। इन फ्रंट यहां से हम इसको सेट करेंगे। कीबोर्ड के अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की है, इससे आप इसकी पोजीशंस को सेट कर लेना। जितनी भी छोटी बड़ी पिक्चर आपको करनी है तो इसकी हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। ये लग गई पिक्चर। अब हमें क्या करते हैं, कंपनी का एड्रेस हेडिंग के नीचे डालना। तो इसके लिए फिर से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होगा। ड्रा पे जाएंगे और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स और यहां पे मैं टाइप करूंगा एड्रेस।
फ़ॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे यहाँ से हम इसका। सेंटर अलाइन और सेम फॉर्मेटिंग जो आपको करनी है इसके भी आउटलाइंस को हम यहाँ से चेंज करेंगे, नो आउटलाइन। ये आपका एड्रेस सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगानी है। लाइन लगाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स में आपको ड्रॉ लाइन मिल जाएगी। यहाँ से या तो ड्रॉ लाइन ले लीजिए या फिर आप रेक्टेंगल ले लीजिए। चलो रेक्टेंगल हम ले लेते हैं यहाँ से। अब हमें करना क्या है, इस रेक्टेंगल का कलर सेट करना है। डबल क्लिक, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आउटलाइन शेप्स इसकी भी हम यहां से नो आउटलाइन रखेंगे। इसको थोड़ा साफ करते हैं। अब इसी की एक और दूसरे में कॉपी कर लेता हूं। और इसका हम फॉन्ट कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, इंसर्ट पिक्चर, सेम पिक्चर के भी पोजीशंस हम सेट करेंगे। इन फ्रंट, और यहां से हम इसका साइज छोटा करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूं। अब हम कंपनी का जो भी आपका फोन नंबर वगैरह है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स और यहां से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। यहां पे हम नंबर लिखेंगे कंपनी का जो भी आपको नंबर फोन। आउटलाइन इसकी भी हम नील करेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे आप फोन नंबर एडजस्ट करेंगे। फिर चलते हैं हम बॉटम पे, और बॉटम पे एक डिजाइन आपको बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट के अंदर एक शेप ड्रा कर लेते हैं। यहां से लेंगे एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो भी आपको कलर फिल करना है इसको एडजस्ट करेंगे प्रॉपर। इसका कलर जो भी आपको फिल करना है, कलर को फिल किया। अब उसको डिजाइन में मुझे शेप बनानी है यहां से, तो हम क्या करेंगे, एडिट शेप, एडिट पॉइंट्स कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट जो बनेगा इस पे हम क्लिक करें। आउटलाइन इसके भी हम नील करेंगे। अब इसी शेप्स को हम कॉपी कर लेते हैं और इसका कलर जो हम चेंज करेंगे
कोई डिफरेंट कलर हम ले लेते हैं। पोजीशंस करते हैं सेंड टू बैकवर्ड और थोड़ा सा इसको डाउन ताकि एक आउटसाइड की आपको सेफ नजर आती रहे। और अब हम इसको जूम इन करके इसका देखते हैं कलर। तो ऐसे आप एमएस वर्ड के अंदर अपना एक सुंदर सा लेटर हेड टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।